नेचर ऑफ मैनेजमेंट के बारे में बताओ। अब नेचर ऑफ मैनेजमेंट के बारे में जब भी बात आती है ना, तो हमारे पास में तीन फिलॉसफी हैं, ठीक है। एक तो मतलब किस चीज में विवाद रहता है लोगों के दिमाग में, चलता है कि जो मैनेजमेंट है वो क्या एक साइंस है या फिर एक आर्ट है या फिर एक प्रोफेशन है, ठीक है। अभी तक तो साइंस और आर्ट में ही विवाद था, बट अब प्रोफेशन में भी आ गया है कि वो क्या एक प्रोफेशन है। जैसे कि हम लोग मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स रहे हैं, ठीक है, तो हम लोगों ने जैसे क्या है कि मैनेजमेंट जैसे लोग करते हैं ना, MBA BBA इस तरीके से कोर्सेज को करते हैं, तो वो एक प्रोफेशन के टर्म्स में जोड़ दिया जाए। मतलब कि केवल लोग आदमी को पढ़ा लिखा करके भी मैनेजर बनाया जा सकता है क्या, ठीक है। तो इस सारी चीज़ों को अभी हम देखते हैं यहाँ पर, जब भी हम नेचर ऑफ मैनेजमेंट के बारे में अगर कोई भी कुछ भी आता है इस तरीके से क्वेश्चन, तो आपको क्या लिखना है, ठीक है, यहाँ पर से हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर देखो, द नेचर ऑफ मैनेजमेंट कैन बी डिफाइंड इन द टर्म्स ऑफ साइंस आर्ट और एंड प्रोफेशन, ठीक है। जो भी हमारे यहाँ पर मैनेजमेंट के जो भी नेचर है, उसको हम तीन तरीकों से डिवाइड कर सकते हैं, तीन तरीकों से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, इन द टर्म्स ऑफ साइंस, साइंस के टर्म में, आर्ट के टर्म में और प्रोफेशन के टर्म में। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, तीन तरीके से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं कि एक्चुअल में जो भी मैनेजमेंट है उसका नेचर क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, मैनेजमेंट एज एन आर्ट, ठीक है, मैनेजमेंट को सबसे पहले हम लोग एक आर्ट के फॉर्म में देखते हैं कि क्या एक मैनेजमेंट एक कला है कि लोगों से हम दूसरे लोगों से काम करवा करके इसी कला को देख सकते हैं, क्या एक आर्ट है, ठीक है। तो आर्ट का क्या मतलब होता है, यहाँ पर मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि आर्ट मीन्स द प्रैक्टिकल अप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, मतलब आपको उस चीज की प्रैक्टिकल नॉलेज होनी चाहिए। जैसे कि अगर आपको डांसिंग आती है तो अच्छे से आपको डांस आना चाहिए, ठीक है, और एक तरीके से स्किल्स होती है टू अचीव द डिजायर्ड रिजल्ट्स। वी कैन से मैनेजमेंट हैज सम फीचर्स ऑफ आर्ट, जैसे कि हम बोल सकते हैं कि मैनेजमेंट के कुछ एक फीचर्स आर्ट के होते हैं, जैसे कि मैनेजमेंट इज क्रिएटिव। मैनेजमेंट एक क्या होती है, क्रिएटिव होती है, अंदर से आती है, ठीक है। PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, यहाँ पर जो भी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ केवल अभी सुनना है, बाद में नोट वोट कर लेना। यहाँ पर जितनी भी मैं चीजें आपको बताता जा रहा हूँ उनको सुनते जाओ, ठीक है। PDF का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, ठीक है, तो जाकर के चेक कर सकते हो, ठीक है, उसकी टेंशन मत लो लिखने की, केवल अभी चीजों को अच्छे से सुनो, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, मैनेजमेंट इज क्रिएटिव, मतलब कि एक तो मैनेजमेंट होता है क्रिएटिव होता है। क्रिएटिव का मतलब कि हमारा जो भी दिमाग होता है वो रचनात्मक होता है। आप लोगों ने मे बी जॉन कीट्स की शायद एक बुक थी जिसमें से आप लोगों ने शायद एक कहानी को सुना होगा, आंट पॉली और टॉम सॉयर, है ना। जब उसकी आंट पॉली जो मौसी होती है उसको दीवार में पेंट करने के लिए देती है, तो वो खुद पेंट नहीं करता है, जा करके वो चालाकी से और चतुराई से अपने दोस्तों से पेंट करवा लेता है, ठीक है, और उसके बदले में उनके उनके पास में जो भी आइटम्स होते हैं उनको भी छीन लेता है, मतलब कि उनको भी ले लेता है। जैसे कि एक उसका दोस्त होता है जो कि एप्पल खा रहा होता है, उसको वो पेंट करने के लिए भी देता है और साथ में उसका एप्पल भी ले लेता है, ठीक है, क्यों, अपने दिमाग से, ठीक है। तो वो एक तरीके से हम क्या बोल सकते हैं, वो उसकी दिमाग की क्रिएटिविटी थी, ठीक है, वो अपने दिमाग से सोच रहा उसने और क्रिएटिव अपनी दिमाग के आइडिया को लगाया, और वो एक तरीके से देखा जाए तो वो एक तरीके से अच्छा मैनेजर ही बन पाएगा, ठीक है। तो मैनेजमेंट इज क्रिएटिव एज इट कन्वर्ट्स इनपुट इनटू आउटपुट, जिससे कि हमको क्या मिल जाते हैं, आउटपुट मिलता है, ठीक है। और एवरी मैनेजर हैज हिज यूनिक मेथड ऑफ वर्किंग। अब लेट सपोज कि हमको अगर सपोज मान लो कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को चलाना है, लाइक हमारे घर में शादी है, ठीक है, तो हम अपने तरीके से मैनेजमेंट करेंगे। हो सकता है कि कोई आदमी आए जो कि बहुत सारे पैसे भी खर्च कर दे और उतना मजा भी ना आए, ठीक है, वहीं पर दूसरा बंदा है जो कि काफी सारे पैसों को सेव भी कर ले और अच्छे से सारी चीज़ें उतने कम पैसों में ही हो जाए, ठीक है। तो हर एक जो भी मैनेजर होता है उसका अपना डिफरेंट डिफरेंट यूनिक स्टाइल होता है, सबकी सोचने की अलग क्षमता होती है, ठीक है, और सबका अपना स्टाइल होता है, ठीक है। तो हम ये बोल सकते हैं कि मैनेजमेंट जो होता है वो एक तरीके से प्योरली आर्ट ही होती है। मैनेजमेंट का क्या मतलब होता है, चाहे आप कितना भी उसको आदमी को ज्ञान पढ़ा दो, ट्रेनिंग दे दो, सब कुछ दे दो, बट यहाँ पर आर्ट का उसकी अपनी क्रिएटिविटी तो लगेगी, ठीक है। तो मैनेजमेंट को हम एक तरीके से प्योरली आर्ट बोल सकते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमारा सेकेंड पॉइंट है कि मैनेजमेंट एज अ साइंस, साइंस के टर्म में जोड़ करके देखो तो साइंस का मतलब क्या होता है। दोस्तों साइंस का क्या मतलब होता है, कोई भी नियम, लॉ, ठीक है, एक सीधा सा वर्ड ध्यान रखना है कि साइंस का मतलब क्या होता है, नियम, ठीक है। जहां पर भी नियम है वहां साइंस लग रही है। लेट सपोज कि एक हम न्यूटन का एग्जांपल लेते हैं कि अगर हम सेब को एक बार जमीन पर गिराएंगे तब पर, मतलब एक बार हाथ से छोड़ेंगे तब पर भी वो जमीन में नीचे की तरफ जाएगा, 100 बार छोड़ेंगे तब पर भी वो नीचे ही जाएगा,
और 200 बार छोड़ेंगे तब पर भी वो नीचे की तरफ गिरेगा, ठीक है। ऐसा तो है नहीं कि आसमान में वो उड़ने लगे, ठीक है। तो ये क्या है, एक तरीके का नियम है जो कि काफी हद तक सही होता है, लेकिन कई जगहों पर गलत भी हो जाता है साइंस का नियम, ठीक है। अब सपोज कि हम हर बार सेब को छोड़ रहे हैं नीचे, ठीक है, तो वो नीचे ही जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर हम यही स्पेस की बात करें, अगर हम स्पेस में सेब को छोड़ रहे हैं तो क्या वो नीचे गिरेगा? नहीं गिरेगा, ठीक है। तो हमारा वहां पर उस जगह पर हमारा जो नियम होता है वो क्या हो जाता है, फेल हो जाता है, ठीक है। तो हमको यही चीज ध्यान रखनी है कि जो साइंस होती है ना, साइंस वो क्या होता है, नियमों पर आधारित होती है। और मैनेजमेंट जो एक ऐसी टेक्निक है जो कि जिसमें से उसकी आर्ट जो होती है, खुद की दिमाग की जो भी क्रिएटिविटी होती है आदमी की, वो तो लगती है, ठीक है। तो साइंस को हम मतलब कि केवल मैनेजमेंट में हम केवल कुछ एक नियम नहीं बना सकते हैं कि आप ऐसा करोगे तो आपको ये रिजल्ट मिलेगा, आप ऐसा करोगे तो आपको ये रिजल्ट मिलेगा, जब आपका प्रोडक्शन डाउन होने लगे या फिर जब आपके वर्कर्स भागने लगे कंपनी से तो आप ये स्ट्रेटजी अपनाओ तो फिर आपको बेनिफिट मिलेगा, वर्कर्स रुकने लगेंगे, ठीक है। तो वो मैनेजर्स की आर्ट होती है, लोगों को डील करने की क्षमता होती है, किस तरीके से मैनेजर्स अपने वर्कर्स को डील कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो वो अपनी एक उनकी अलग फिलॉसफी होती है। बट हाँ, कुछ काफ़ी हद तक हम लोग कुछ एक नियम्स को बना सकते हैं जिससे कि हम मैनेजमेंट को एक तरीके से कंट्रोल में रख सकें, ठीक है। आई होप कि ये थोड़े से वर्ड्स जो हैं वो थोड़े से आपको भारी लग रहे होंगे, बट अभी आपको ऐसे ही समझना पड़ेगा, ठीक है। साइंस का मतलब क्या होता है, नियम, और मैनेजमेंट जो होता है वो नियमों पे हमेशा आधारित नहीं रह सकता, ठीक है। उसके लिए अपने दिमाग की भी बत्तियां जलानी पड़ती है, मतलब अपना दिमाग भी लगाना पड़ता है मैनेजमेंट को करने के लिए, ठीक है। तो साइंस में यहाँ पर दो हमारे पास चीज़ें लिखी हैं कि साइंस इज अ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, मतलब कि एक तो ये क्या होता है, नॉलेज होती है इसमें, जिसमें से इसके जो भी कॉज होते हैं, मतलब कि कारण होते हैं और उसके इफेक्ट्स होते हैं, ठीक है। जैसे कि एक एग्जांपल दिया गया कि अगर एक आदमी है जो कि काफ़ी ज़्यादा खाता है, हैवी फूड्स को खाता है, फास्ट फूड को खाता है बिना किसी फिजिकल एक्टिविटी को, तो डेफिनेटली उसके पास में एक्स्ट्रा वेट होगा ही, ठीक है। तो ये क्या है, नियम है, एक कारण है और उसका क्या है, एक कारण है और उसका क्या है, रिजल्ट है आगे, ठीक है। कॉज एंड इफेक्ट, मतलब कि उसका एक कारण है और उसके बाद में उसका इफेक्ट है, दिख रहा है, ठीक है। तो ये जो नियम है हर जगह पर अप्लाई नहीं हो सकते मैनेजमेंट के टर्म में। ऑल द साइंटिफिक प्रिंसिपल नीड्स टू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट्स टेस्ट, और बार बार इन नियमों को और टेस्ट करने की जरूरत पड़ती है कि बार बार देखना पड़ता है कि क्या ये सही में ऐसा हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। 10 बार नियमों को लगाना पड़ सकता है, 20 बार नियमों को लगाना करके हमको 10-10 बार 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 लगा करके देखना पड़ता है कि ये क्या नियम फिट हो रहा है हर बार कि नहीं हो रहा है। जब वर्कर्स सपोज कि भाग रहे हैं कंपनी छोड़ करके, तो कौन सा मैं एक ऐसा नियम को लगाते हैं जिससे वर्कर्स रुकने लगे, ठीक है। तो वो जो नियम जो होता है वो एक्सपेरिमेंट हमको बार बार करके देखना होता है कि क्या एक नियम ही काम कर रहा है हर जगह या फिर अलग अलग नियम काम कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि जो भी मैनेजमेंट है वो एक तरीके की साइंस तो है, बट बहुत ही मतलब कि प्योरली हम उसको नहीं बोल सकते, ठीक है। जैसे हमने आर्ट्स के टर्म में क्या बोला था, यहाँ पर प्योरली वर्ड को यूज किया था ना, प्योर आर्ट, प्योरली आर्ट हमने इसको बोला था। बट जो साइंस है हमारा वो एक तरीके से मैनेजमेंट क्या है, साइंस है बट प्योरली नहीं है। कभी हमारी बातें सही हो जाती हैं, कभी हमारी बातें जो होती हैं वो साइंस के टर्म्स में मैनेजमेंट को गलत साबित कर देती हैं, ठीक है। अब एक नई फिलॉसफी आई है, लोगों का ये भी मानना है कि मैनेजमेंट एक प्रोफेशन है। तो देखो, एक बात तो ध्यान रख लो, आदमी को कितना भी पढ़ा दो, कुछ भी कर दो, लेकिन जब तक उसकी अपनी खुद की क्रिएटिविटी नहीं लगेगी तब तक वो एक अच्छा मैनेजर नहीं बन सकता, ठीक है। तो देखो, प्रोफेशन मीन्स कोई एक तरीके से एक आपको नॉलेज दे दी गई, ठीक है, प्रैक्टिकल आपकी ट्रेनिंग्स हो गई, सेमिनार्स हो गए, तो इस तरीके से आदमी को एक मैनेजर बनाया जा सकता है? नहीं, जब तक वो अपने दिमाग से नहीं सोचेगा, जब तक वो अपनी तरफ से एफर्ट्स नहीं लगाएगा, तब तक वो एक बेहतरीन मैनेजर नहीं बन सकता, ठीक है। तो ऑल प्रोफेशंस आर बेस्ड ऑन द वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, कि सभी चीज़ें जो भी होती है प्रोफेशंस में क्या होती है, नॉलेज की जरूरत पड़ती है। देखो, जैसे हम आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पर नॉलेज को ही तो गेन कर रहे हैं, तो क्या जो लोग इस वीडियो को देख लेंगे वो मैनेजर बन जाएंगे? नहीं बनेंगे, उसके लिए एक्सपीरियंस की जरूरत पड़ती है, ठीक है, और आपका भी दिमाग लगना चाहिए, ठीक है। सो ऑलमोस्ट एवरी प्रोफेशन प्रोवाइड्स स्पेशलाइज्ड एजुकेशन ट्रेनिंग्स, और ट्रेनिंग की भी जरूरत पड़ती है इन रिस्पेक्टिव फील्ड। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो भी मैनेजर्स होते हैं वो केवल पढ़ लिख करके नहीं बन सकते हैं। तो हम यहाँ पर मैनेजमेंट को कैन नॉट बी कॉल्ड एज प्रोफेशन, कि मैनेजमेंट एक तरीके का प्रोफेशन नहीं है, ठीक है। तो जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आता है डिस्क्राइब करने के लिए कि डिस्क्राइब मैनेजमेंट इज एन आर्ट और साइंस और प्रोफेशन, तो यहाँ पर यही तीन चार चीज़ें हैं जिनको आप लिख करके अच्छे से समझा सकते हो, ठीक है, एग्जाम में, ठीक है। तो आई होप कि इतना भी क्लियर हो गया होगा। अब देखो,
हमारे पास में जो नई हेडिंग है वो है मैनेज।